अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पे किमामी सिवैयाँ। बकराईद आ रही है, जो कल बकराईद है, तो आज मैंने ये रेसिपी तैयार की है आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। तो चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ इसकी रेसिपी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किमामी सिवैयाँ बनाने के लिए चीनी लेनी होगी। तो ये चीनी मैंने ले ली है, 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चीनी ले लिए। और ये हमारा 250 ग्राम का मग है, इतना आपको पानी लेना है, 250 ग्राम आपको पानी लेना है। अब आपको हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। आपको और ज़्यादा मीठी किमामी सिवैयाँ बनानी है तो आप चीनी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाशनी में थोड़ा सा केसर ऐड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सिवैयों का, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, हमारी जब तक चाशनी तैयार हो रही है, हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे। असली घी ले सकते हैं आप, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं सिवैयों को भूनने के लिए। ये मैंने असली घी ले लिया है। ये हमारा घी हीट हो चुका है, अब हम इसमें ये सिवैयाँ ऐड कर देंगे और इनको भून लेना है। अब सिवैयों को भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। सिवैयों को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है हमें। फ्रेंड्स, हमारी सिवैयाँ भून चुकी हैं, तो चलिए चाशनी देख ले। अभी हमारी चाशनी में उबाल आने लगा है, हमारी चाशनी बनने लगी है। अब हमारे पास है ये ग्रीन इलायची कुटी हुई, आप इसका पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने कूट लिया इलायचियों को, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें अब ये मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर, आप केवड़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की जो तादाद है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारी ये चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, इसको एक साइड में कर देते हैं और सिवैयों को ले लेते हैं। और हमारी अब ये सिवैयाँ हैं जो भुन चुकी हैं पूरी तरीके से, आप देख लीजिए, इनको आपको ज़्यादा तोड़ना नहीं है। अब आपको ये हमारी जो तैयार हो चुकी चाशनी है उसको आप इसमें मिला दीजिए, सिवैयों के ऊपर से आपको डाल देनी है धीरे धीरे से। तो अब इन सिवैयों को सीजने के लिए आपको लेड लगा देनी है और इसको कवर करके कुक होने देना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सिवैयाँ ये सीज चुकी हैं, देख लीजिए आप, बहुत अच्छे तरीके से सीज गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सिवैयाँ जल जाएंगी सीजने के टाइम, तो आप इस तरह से एक तवा नीचे रख लीजिए और उसके ऊपर ये बर्तन रख दीजिए, तो आपकी सिवैयाँ जलेंगी भी नहीं और बहुत ही अच्छे से सीज जाएंगी। अब इसमें ऐड कर देते हैं, मेरे पास कुछ मावा है, मावा ये होममेड बना हुआ है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा डालना चाहें तो उनको फ्राई कर लीजिए पहले और फिर इसमें आप डालिए, मैंने नहीं फ्राई किया है। तो ये मावा मैंने इसमें डाल दिया है। और हमारे पास थोड़ा नारियल है पिसा हुआ, वो ऊपर से डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी किमामी सिवैयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और ये बकराईद के लिए, ईद के लिए स्पेशल हैं। आप अपने घर पे ट्राई करिए फौरन और इसको बनाइए, ये बहुत ही डिलीशियस बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो चलिए आप अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को और